हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एआर सन्स गिफ्ट एंड पेंटिंग हब में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर शेप लो पर सबलिमेशन पेंट कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा स्क्वायर शेप लो ये येलो कलर का है और ये हमारा प्रिंट है। जो इस प्रिंट का साइज है तो मैंने ऊपर कर रखा है कि देखिए इसकी जो विड्थ है वो 19 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 19.5 सेंटीमीटर है। तो आपको भी यही कर देना है क्योंकि यही सेम साइज रहता है। बस मेन चीज होती है वो होता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक जो आप देख सकते हैं स्ट्रोक मैंने 25 का दे रखा है, वो भी येलो कलर का। चलिए शुरू करते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं। कंट्रोल पी करा मैंने, ये इधर पहले ओके कर देता हूँ एक बार। कंट्रोल पी करा तो यहाँ आपको एक बार पेज सेटअप में जाके पेपर चूज कर लेना है। तो A4 पेपर है हमारा ये, और प्रिंट देना है। अब यहाँ पर आपको अपना प्रिंटर चूज कर लेना है कि किस प्रिंटर से आप प्रिंट दे रहे हैं। तो मैं एप्सन का L1800 प्रिंटर यूज करता हूँ सबलिमेशन के लिए। फिर आपको ऑप्शन में जाना है, इधर आपको मिरर कर देना है। पेपर टाइप आपको एप्सन मेट ही चूज करना है और ये A4 है, और आपको प्रिंट कर देना है। तो प्रिंटर ने हमारे ने कमांड ले लिए। जो ये पेपर में यूज कर रहा हूँ ये SRS का पेपर यूज कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रिंट आधा निकल चुका है। तो मैं आपको बता रहा था जो मैं पेपर यूज कर रहा हूँ वो SRS का यूज करता हूँ, पेपर SRS कंपनी का। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि जो प्रिंट क्वालिटी आती है वो बहुत बेटर आती है और ये बहुत ही जल्दी अच्छे से ट्रांसफर भी हो जाता है। तो प्रिंट हमारा निकल चुका है, तो अब चलते हैं हम अपनी 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के पास। ये हमारा ब्लू है जिस पर ये येलो कलर होगा, मतलब येलो कलर का ब्लू है जिस पर ये प्रिंट होने वाला है। तो मैं इसकी कटिंग करने के बाद अब आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कटिंग भी मैंने कर दिया है। तो इसको मैं अगर ब्लू पर रखूँगा तो ब्लू पर एकदम फिक्स आएगा, तो जो काफ़ी बेटर है। तो हम अपनी मशीन भी ऑन कर देते हैं। अब मशीन का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं 350 है, और जो मैक्सिमम है वो भी 350 है, और जो आपका टाइमिंग रहेगा वो 60 सेकंड का रहेगा। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं जब तक 350 टेम्परेचर हो रहा है। मैं ब्लॉक को भी सेट कर देता हूँ जब तक इस पर। सबसे पहले आपको नीचे टेफ्लॉन शीट लगा देना है, क्योंकि ये जो ग्लो हम यूज करते हैं इनका भी प्रिंट हीट होने पर हटने लगता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है नीचे पेपर पर। तो जिससे कि क्या, अगर आप बाद में वाइट टी शर्ट हुआ कुछ भी प्रिंट करते हैं तो उस पर प्रिंट लगने के चांसेस रहते हैं। तो हमने ये अपना टेफ्लॉन शीट रख दिया और ग्लो को भी सेट कर दिया। आपको ये प्रिंट रख देना है। तो अभी तो प्रिंट नहीं रखना है, अभी आपका मशीन गर्म होगा तो आपको 5 सेकंड के लिए इसको हीट प्रेस करना है, जिससे कि जो ये आप देख सकते हैं रिंकल्स टाइप के आ रहे हैं तो ये पूरे रिंकल्स हट जाएंगे और एक प्रकार से फ्लैट सरफेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक मशीन हमारी गर्म हो रही है। बाकी का सबलिमेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है या प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो वहां पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा वेट करते हैं, मशीन भी हमारा गर्म हो रहा है। अभी 132 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबलिमेशन से रिलेटेड हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं। और बाकी अगर आपको टी शर्ट्स होलसेल में लेना हो तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होगा। हमारे पास काफ़ी वैरायटी में आपको टी शर्ट वगैरह मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तो ये टी शर्ट जो है वो हमारे ऑफिस में रखी हुई है, बाकी गोडाउन में भी काफ़ी हैं। तो जो कलर्स वैरायटी है वो भी आपको मिल जाएंगी, 120 GSM से लेकर स्टार्टिंग है, जिसमें आपको पॉलिस्टर, कॉलर मैटी, निर्मल मैटी, हुडीज हो गई, तो ये सारी टी शर्ट्स आपको मिल जाएंगी। क्वालिटी जो है वो आपको बेटर मिलेगा और प्राइस भी हमारी वेरिएबल है। तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, ऑर्डर रिलेटेड कॉन्टैक्ट के लिए। तो चलिए मशीन पर आ गए, तो अभी हम देखते हैं जो भी टेम्परेचर 185 है तो थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा।
तो जब तक हम इसको 10 सेकंड के लिए कर देते हैं हीट प्रेस, तो आप देख सकते हैं जो रिंगल्स हैं वो गायब हो गए हैं। और एक चीज और आपको करना है, जैसे कि मैंने प्रिंट निकाला हुआ है तो आपको ये प्रिंट लगाने के बाद इसके ऊपर एक A4 साइज का पेपर और लगाना है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम हीट प्रेस करते हैं तो ये कलर हमारे प्लो पर तो जाता है, लेकिन ये बैक भी होता है। तो बैक में आपको ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई A4 पेपर यूज कर सकते हैं। अब इससे ये होगा कि कलर अगर आपका बैक भी मारेगा तो वो इधर लग जाएगा, ऊपर नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टेप भी लगा दिया है और एक A4 पेपर भी दिया है, तो प्रॉपर सेफ्टी का मैं पहले ख्याल रखता हूँ, तो मैं इसको अच्छे तरीके से ही कवर कर देता हूँ। ये A4 पेपर रख रहा हूँ, आप चाहें तो टेफ्लॉन शीट भी रख सकते हैं। पूरा एरिया कवर कर लेता हूँ, टेफ्लॉन शीट भी अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन मैं यही यूज कर रहा हूँ। टेम्परेचर भी हमारा पूरा हो चुका है, आपको एक बार प्रेशर भी चेक कर लेना है, प्रेशर कितना ज़्यादा, हार्ट प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। तो हम ऑन कर देते हैं मशीन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 60 सेकंड एक मिनट का टाइमिंग आपका स्टार्ट हो गया। और अभी जब ये पूरा टाइमिंग हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रिंट की बात कर रहा था जो बैक होता है। तो जब तक टाइमिंग कम हो रहा है तो थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ मैं वीडियो को। तो आप देख सकते हैं टाइमिंग बस खत्म होने वाला है और ये जो सरफेस है काफी ज्यादा हीट होता है, तो कृपया थोड़ा सेफ्टी से आप वर्क करना। तो मशीन में भी हमारा बीपन स्टार्ट हो गया है, तो मशीन को हम बंद कर देते हैं। ये देखिए, अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो ये हल्के से दिखे, ये आपको कलर दिख रहा होगा। अगर मैं ये पेपर नहीं लगाता तो ये इस पर आता मशीन पर, अगर आप टेफ्लॉन लगाते तो टेफ्लॉन पर भी ये कवर आता, कलर आता। तो जैसे कि अगर अगर कोई टेफ्लॉन आप दूसरी टी शर्ट वगैरह किसी का भी यूज करते हो वहाँ ये कलर आ जाता है, तो हम इसको हटाते हैं। प्रिंट क्वालिटी काफी बेटर आता है सिर्फ पेपर से, जैसा कि मैंने आपको कहा था। एक बार फिर से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसे ही सभी में से रिलेटेड काफी वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू।